झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। यहां आलम की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। आलमगीर आलम की 5 दिन की ईडी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सोमवार 27 मई को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से कहा गया कि अभी और पूछताछ की जरूरत है, आलमगीर आलम की 5 दिन की रिमांड दी जाए। दोनों पक्षों के वकीलों के दलाले सुनने के बाद कोर्ट ने आलमगीर आलम को 3 दिन की रिमांड में भेजने का आदेश दिया। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने आलम को उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से भारी नकदी बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ग्राउंड की हमको और फर्दर डिटेल चाहिए, उनका प्रॉपर्टीज का डिटेल चाहिए और पूछताछ अभी चल रही है, इसलिए फर्दर 3 दिन का और ब्रेक किया गया, वो अलाउ किया कोर्ट ने। आज सर जेल चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, रिमांड पे, रिमांड पे, रिमांड पे, रिमांड पे। एक चीज जो पिछली बार रिमांड में कहा गया था ईडी की तरफ से कोऑपरेट नहीं, हम लोग डे वन से कोऑपरेट कर रहे हैं। 12 तारीख के शाम में इनके घर में समन सर्व हुआ, उस समय ये साहिबगंज में थे। 13 तारीख को स्पेशली लौटे, 450 किलोमीटर हम लोग को पड़ता है, 450 किलोमीटर ट्रैवल करके ये लौटे हैं और 14 तारीख के सुबह में 10:30 बजे गए हैं ईडी ऑफिस। जो डॉक्यूमेंट इनको बोला गया था सारा डॉक्यूमेंट लेके गए थे। तो अगर नहीं कॉपरेट करना रहता तो हम नहीं जाते, हम डे वन से कॉपरेट कर रहे हैं। हमको सम्मन मिला, सम्मन मिला शाम में, 24 घंटा के अंदर हम वापस रांची आए और ईडी ऑफिस गए और जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट था सारा लेके गए। हम लोग पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड वही है कि भाई हाई बीपी इनका चल रहा है परसिस्टेंटली, जो भी देखा जा रहा है डेली चेकअप होता है, हाई बीपी आ रहा है, स्लीप एपनिया जो है वो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आँख में प्रॉब्लम था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कुछ दिन पहले इनका हुआ था, तो उसके लिए ये लोग बोले कि हम लोग चेकअप वगैरह करा रहे हैं। अभी यही है उनका कि हमको और पूछताछ करनी है और कुछ इमोबल प्रॉपर्टी का डिटेल इनसे लेना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।